देख मूर्ख वानर, तेरे वानर सेना की दुर्दशा देख। तो बेटा, पता नहीं इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। लंकेश्वर के बड़े बड़े राक्षस वीर इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं त्रिजटा। वानर सेना का साहस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वे लंका को नष्ट भ्रष्ट करके छोड़ेंगे। अब तो मुझे भी भय लगने लगा है। अब तो ये भय सारी लंका में फैल चुका है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? हम नहीं कर सकते, लंकेश्वर तो कर सकते हैं। इस युद्ध में नरांतक, देवांतक, महोदर जैसे महाराक्षस वानरों के सामने टिक नहीं पाए तो लंकापति को यह युद्ध समाप्त करके अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये तुम कह रही हो सुपटा? तुम लंकेश्वर को हार मानने के लिए कह रही हो? मेरा मन कह रहा है त्रिजटा, अब लंकेश्वर जीत नहीं पाएंगे। यदि यह युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ तो राक्षसों की और दुर्दशा होगी। तुम सत्य कह रही हो सुपटा। लगता है इस लंका पर विनाश की काली छाया मंडरा रही है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आओ। बार बार लंका की युद्ध भूमि में यह कहानी क्यों दोहराई जा रही है? हनुमान और उसके उसके साथी हमारे प्रहारों से बच निकलते हैं और हमारे बड़े बड़े राक्षस उनके हाथों मारे जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेघनाथ, क्यों? पिताश्री, जब तक हम इन वानरों को समाप्त नहीं करेंगे हम ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे। तो उन्हें समाप्त करने का उपाय क्यों नहीं किया जाता? हमारा हृदय आग की तरह धधक रहा है मेघनाथ। हमने कपट से, मायावी शक्ति से, वरदानी शस्त्रों से उन्हें बार बार मारने का प्रयास किया है लंकेश्वर, परंतु आप ये भली भांति जानते हैं कि हम हर बार हर प्रकार से असफल हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी वरदानी शक्ति अब समाप्त होती जा रही है। हाँ पिताश्री, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी वरदानी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। क्षीण होती अपनी वरदानी शक्ति को
हम फिर से जगाएंगे। जिन ब्रह्मा ने हमें वरदान दिया था उनका आह्वान हम फिर से करेंगे और उन्हें विवश कर देंगे कि हमारी वरदानी शक्ति में नए प्राण फूकें। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है लंकेश्वर? आज्ञा की हमसे मत पूछो मेघनाथ, तुम स्वयं निर्णय करके युद्ध भूमि में शत्रु को नष्ट करने का उपाय सोचो। हमारी अनुपस्थिति में लंका की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है मेघनाथ। अब हमारा भी निर्णय है, हम तब तक महल में पैर नहीं रखेंगे जब तक अपना उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं कर लेते। बहुला कहाँ है? मैं यही हूँ युवरानी। देखो तो मैं कैसी लगती हूँ। बहुला, क्या बात है बहुला, बोल ना बहुला। युवरानी, युवराज ने कहा है कि अब वे महल में पैर नहीं रखेंगे। महल में पैर नहीं रखेंगे? क्यों, किस लिए? पांचों राक्षसों के वध के बाद वे अत्यंत दुखी हैं। अब युद्ध का उत्तरदायित्व लंकेश्वर ने युवराज को सौंपा है। यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो हम उनके पास जाएंगे। कहाँ हैं वे समय? युद्ध शिविर में। और लंकेश्वर? वे यज्ञ साधना के लिए प्रयाण कर चुके हैं। क्या सोच रही हैं माता श्री? सोच रही हूं कि लंका सचमुच अब एक शापित भूमि बन चुकी है। जो भी राक्षस यहां सहायता के लिए आता है वो काल का ग्रास बन जाता है। लंकेश्वर और मेघनाथ की वरदानी शक्ति अब धीरे धीरे निरर्थक होती जा रही है। ये युद्ध अब एक पक्षीय होता जा रहा है। निराशा की ऐसी बातों से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा माताश्री। हमारा कर्तव्य है कि हम लंकेश्वर और उनके सहायकों का साहस बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। मैं कर्तव्य से विमुख नहीं हूं सुलोचना, परंतु मैं सत्य से आंखें कैसे मूंद सकती हूं? क्या युवराज मेघनाथ अभी तक युद्ध भूमि से लौटे नहीं? अब वे महल नहीं लौटेंगी माताश्री, उन्होंने संदेश भिजवा दिया है। और लंकेश्वर? सुना है वे यज्ञ साधना के लिए गए हैं। ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, प्रकट हो। ब्रह्मदेव, मैं लंकापति रावण आपका आह्वान करता है। ब्रह्मदेव
आपके दिए हुए वरदान की दुहाई देकर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप शीघ्र प्रकट होइए, प्रकट होइए ब्रह्मदेव, प्रकट होइए। ओम ब्रह्मदेव प्रसीद, प्रसीद ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसीद, प्रसीद ब्रह्मदेव प्रकट हो, प्रकट हो ब्रह्मदेव। लंकेश, बोलो। रावण, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव हमारे सम्मुख आइए, ब्रह्मदेव यज्ञ भूमि में पधारिए ब्रह्मदेव। नहीं, हम लंका की भूमि का स्पर्श नहीं करेंगे रावण, हम यहीं से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम जानते हैं तुमने हमारा आह्वान क्यों किया है। ब्रह्मदेव, यदि आप जानते हैं तो मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, मेरी वरदानी शक्ति को दुगना कर दीजिए। तुम जानते हो रावण, दिए गए वरदान की शक्ति बढ़ाई नहीं जा सकती। तुमने अपनी तपस्या के बल से जो वरदान प्राप्त किया था वो तुम्हारे कुकर्मों के कारण प्रभावहीन होता जा रहा है। यदि अब भी तुम अपने कर्मों को पतन की ओर ढकेलने से नहीं रोकोगे तो जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वो सब नष्ट हो जाएगा। रावण, ब्रह्मदेव, ये सब सुनने के लिए मैंने आपका आह्वान नहीं किया था। तुमने जो चाहा हमने उसी का समाधान किया, इसलिए अब ये आशा छोड़ दो कि तुम्हारी वरदानी शक्ति तुम्हें मिटने से बचा सकती है। रावण, क्या मुझे फिर से 10 बार अपने मस्तक इस यज्ञ की अग्नि में झोंकना होगा? ब्रह्मदेव, क्या आप तभी प्रसन्न होंगे? नहीं रावण, ये तुम्हारा भ्रम है। हम केवल तुम्हारे यज्ञ करने तथा उसमें मस्तकों की आहुति देने से प्रसन्न नहीं हुए थे, हम प्रसन्न हुए थे तुम्हारी दृढ़ता से, तुम्हारी एक निष्ठ साधना से। देवी सीता का अन्यायपूर्ण अपहरण करने के पश्चात तुम्हारी वो साधना भ्रष्ट हो चुकी है रावण। अब चाह कर भी तुम अपनी तपस्या की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। क्या इससे आपका गौरव खंडित नहीं होगा ब्रह्मदेव? तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम विवश नहीं है रावण। तुम्हारा यह व्यर्थ प्रलाप सुनने के लिए हम यहां प्रकट नहीं हुए। अब तुम्हारे सामने केवल एक ही मार्ग बचा है। यदि सर्वनाश से बचना चाहते हो तो देवी सीता को लौटाकर इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दो। तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मदेव, देते गुरु शुक्राचार्य हमारी सहायता कीजिए, अपने शिष्य लंकापति रावण की सहायता कीजिए। देते गुरु, देते गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो, देते गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो, देते गुरु शुक्राचार्य। लंकेश्वर रावण, ब्रह्मा के पश्चात हमारा स्मरण करते बच्चा नहीं आई तुम्हें? जब वहां कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो तुम हमारे दैत्य गुरु होने की दुहाई देने लगे। अब तुम्हें विश्व की कोई शक्ति बचा नहीं सकती रावण। क्या दैत्यों के महान गुरु अपने सामने दैत्यों को नष्ट हो जाने देंगे? मैं भी आपका शिष्य हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं अपने बल से आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। चाहे आप दैत्यों से मुंह मोड़ लें, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं, मैं अपने बाहुबल से यह युद्ध जीत कर रहूंगा। अब भी समय है वत्स, तुम्हारी प्राण रक्षा संभव है। यदि तुम केवल हमारी एक बात मान लो। कौन सी बात? सीता को स्वतंत्र करके राम को लौटा दो वत्स, इससे तुम्हारा पक्ष प्रबल हो जाएगा और फिर तुम। नहीं, कदापि नहीं।
मैं राम को परलोक पहुंचाकर सीता को लंका की पटरानी बनाऊंगा। ये मेरा प्रण है, मेरा निश्चय है। अब तुम्हारा अंत समय निकट है रावण। अब इस युद्ध का अंत तुम्हारे अंत के साथ ही होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही विधि का विधान है। जाइए, चले जाइए, सब चले जाइए। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। वानरराज, 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 प्रणाम वानरराज, प्रणाम हनुमान। वानरराज, रावण ने फिर से तपस्या शुरू कर दी है, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। क्या, रावण ने फिर से तपस्या शुरू कर दी? हाँ वानरराज, परंतु सुना है वो तपस्या सफल नहीं हुई, इससे रावण को गहरा आघात लगा है। दुष्टों की तपस्या कभी सफल नहीं हो सकती। वानरराज, रावण तो ब्राह्मण है, बुद्धिमान है, क्या वो इतनी सी बात नहीं समझ सकता? हनुमान, जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो समझ भी धोखा दे जाती है। वैसे भी रावण तपस्या के भरोसे युद्ध नहीं जीत सकता था। आप सत्य कह रहे हैं वानरराज। गुप्तचर, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। वानरराज, रावण का मनोबल अब समाप्त हो चुका है, अब उसे परास्त करने में प्रभु श्री राम को अधिक कठिनाई नहीं होगी। मैं जानता हूं हनुमान, परंतु यह होगा तब जब श्री राम हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे। चाचा श्री, वीर हनुमान, श्री राम आप लोगों से कुछ परामर्श करना चाहते हैं। क्या प्रभु श्री राम के पास और भी कोई है? हाँ वीर हनुमान, भ्राता लक्ष्मण, लंकेश्वर विभीषण, जामवन जी और वहां सारे वानर योद्धा है। हनुमान, हम श्री राम से अनुरोध करेंगे कि अब वे स्वयं युद्ध के लिए पहल करें। ठीक है वानरराज, अब प्रभु के पास चलें। आओ आइए। वानर वीरों, प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। रावण का साहस अब समाप्त हो चुका है, इसीलिए वह युद्ध भूमि छोड़कर यज्ञ भूमि में जा पहुंचा है, और हम अपने शत्रु को समाप्त करने के लिए उसकी प्रतीक्षा युद्ध भूमि में नहीं कर सकते। लक्ष्मण, उत्तेजित मत हो, बैठ जाओ। युद्ध तो युद्ध भूमि में ही होगा, हम लंका वासियों पर आक्रमण कदापि नहीं करेंगे, यह हमारी नीति और न्याय के विरुद्ध है। रावण यह बात जानता है, इसीलिए वो युद्ध के लिए निश्चिंत है। भैया, हमें अपनी युद्ध नीति बदलनी ही होगी। जय श्री राम। आइए वानरा सुग्रीव, हनुमान, अंगद, स्थान ग्रहण कीजिए, विराजिए। वानरराज, रावण युद्ध भूमि छोड़कर यज्ञ भूमि में जा पहुंचा है, विभीषण जी यही समाचार लेकर हमारे पास आए हैं। भैया लक्ष्मण, ये समाचार तो हमारे गुप्तचरों ने हमें दे दिया है, हम तो इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। हम लोग भी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे हनुमान, आप लोगों का क्या विचार है? विभीषण जी, जो प्रभु श्री राम का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा। नहीं हनुमान, इस समय हमें तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता है, जो निर्णय तुम्हारा होगा वही निर्णय हमारा होगा। प्रभु, मेरा परामर्श तो यह है कि मनोबलहीन शत्रु को परास्त करने में हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। मेरा भी यही विचार है हनुमान, यह युद्ध है और युद्ध का लक्ष्य होता है शत्रु को समाप्त करना,
और हमें शत्रु के आगमन की प्रतीक्षा किए बिना उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। लक्ष्मण सत्य कहते हैं प्रभु, युद्ध का अंत करने के लिए हम अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जैसी आप सबकी इच्छा, हम युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं, परंतु युद्ध भूमि में ही होगा, लंका की गलियों में नहीं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, हम युद्ध भूमि में शत्रु का आह्वान करेंगे और शत्रु को हमारे आह्वान का उत्तर देना ही होगा। भैया, इस बार युद्ध का नेतृत्व करने की आज्ञा मुझे दीजिए। मेरी भुजाएं शत्रु से दो दो हाथ करने के लिए छटपटा रही हैं। लक्ष्मण, यदि वानर और सुग्रीव तुम्हारी बात स्वीकार करेंगे तो हम मना नहीं करेंगे। माताश्री, 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 सूचना मिली है कि लंकेश्वर का यज्ञ सफल नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता? आपके पुत्र ने ये सूचना बहुत पहले भिजवा दी है और कहलवाया है कि लंकेश्वर को निराशा से बचाया जाए। सुलोचना, लंकेश्वर को निराशा से बचाना या उन्हें प्रोत्साहन देना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वह हर बार मेरी बात को काटने पर ही तुले रहते हैं। फिर भी लंका की महारानी होने के नाते आपको ये कर्तव्य तो निभाना ही होगा। माताश्री, लंकेश्वर इस समय कहाँ है? अपने कक्ष में। विपाशा, तुम हमारे साथ आओ। मंदोदरी, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि हमारा यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? नहीं स्वामी, मैं आपसे ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं करना चाहती जिससे आपको कष्ट पहुंचे। जो कष्ट हमें पहुंच चुका है तुम उसके बारे में भी जानना नहीं चाहती? मंदोदरी, हमारे आह्वान में अब भी इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा और शुक्राचार्य को आना पड़ा। स्वामी, ब्रह्मा स्वयं लंका में प्रकट हुए, ये तो शुभ संकेत है। नहीं मंदोदरी, नहीं, ब्रह्मा लंका में प्रकट होकर भी लंकेश्वर की सहायता करना नहीं चाहते तो वो हमारे शुभ चिंतक कैसे हुए? ब्रह्मा, शुक्राचार्य दोनों ने हमसे एक ही बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भी वही कहा
जो तुम हमसे बार बार कहती आई हो, और तुम क्या कहती आई हो ये दोहराना हम उचित नहीं समझते। स्वामी, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, अब मैं केवल आपकी बात सुनूंगी। मैं यह अवश्य जान गई हूं कि इस समय आप निराश हैं, परंतु मेरे कहने से आपकी निराशा तो नहीं दूर होगी। मंदोदरी, तुम पहले से कितनी बुद्धिमान हो गई हो, ये देखकर हमें संतोष हुआ। सुलोचना, तुम यहाँ? आप जैसे शक्तिशाली पुरुष की सहधर्मिनी होने के नाते मैं आपको ये बताने आई हूँ कि नाग माता की कृपा से इस बार आप युद्ध में अवश्य सफल होंगे। नाग माता कृपा करे या ना करे, परंतु हमने अपने बाहुबल पर एक निश्चय किया है सुलोचना। कैसा निश्चय स्वामी? हम राम के छोटे भाई लक्ष्मण पर घातक प्रहार करेंगे। हमने सुना है कि वो राम से भी अधिक युद्ध करने के लिए छटपटा रहा है, और हम उसकी ये छटपटाहट सदा सदा के लिए मिटा देंगे। परंतु स्वामी, लक्ष्मण तो शेषनाग के अवतार है। नाग के फन को कुचलना हम भली भांति जानते हैं सुलोचना। हम लक्ष्मण को समाप्त करके ही रहेंगे, और ये हमारा अटल निश्चय है। आपकी बातें सुनकर मेरा हृदय आशंकित हो रहा है। नाग माता की बातें अब रह रहकर मेरे कानों में गूंज रही हैं। यही कारण है कि हमने तुम्हारी नाग माता को शक्तिहीन कहा। सुलोचना, हम विश्व विजय लंकापति रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाद है। हमें अपनी भुजाओं पर संपूर्ण विश्वास है, और लक्ष्मण को समाप्त करने का हमारा एक उद्देश्य और भी है। वो क्या स्वामी? लक्ष्मण राम को सबसे अधिक प्रिय है, और लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात राम का सारा बल समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद शत्रु को समाप्त करने में लंकेश्वर को एक पल भी नहीं लगेगा। सुलोचना, एक पल भी नहीं। नाग माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी स्वामी, अवश्य पूर्ण होंगी। सुग्रीव, लौट जा युद्ध भूमि से। हमारी लड़ाई तुमसे या तुम्हारी वानर सेना से नहीं, उस बनवासी लक्ष्मण से है। कहाँ है वो छोकरा? मेघनाथ, तुम्हें लज्जा नहीं आती बड़ी बड़ी बातें करते हुए? याद कर वो दिन जब हमारी सेना का सबसे छोटा योद्धा अंगद
तुम्हें और तुम्हारे सारे योद्धाओं को नाकोचने चबा आया था। क्या भूल गया वो दिन? मेघनाथ, तुमसे युद्ध करने के लिए हमारे योद्धा नल और नील ही पर्याप्त हैं। या चुप बचाल वानर चुप। तुम्हें लंका पर आक्रमण करने का मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना होगा। मेघनाथ, यदि श्री राम ने तुझे प्राण दान नहीं दिया होता तो तू आज युद्ध भूमि में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के लिए जीवित नहीं रहता। वानर राज, हमें आज्ञा दीजिए। वानर राज, जय श्री राम। से जीवित नहीं लौट पाएगा। उर्ख लक्ष्मण, यह तो समय ही बताएगा कि कौन जीवित लौटेगा। मूर्ख लक्ष्मण, संभाल मेघनाथ। ऊर्ख लक्ष्मण, संभाल मेघनाथ। मेघनाथ, आज तेरी सारी वरदानी शक्तियां व्यर्थ सिद्ध होंगी। तूने मेरी शक्ति देखी ही कहां है लक्ष्मण। ब्रह्मदेव, दुष्ट वनवासी, अब तो मेरे ब्रह्मास्त्र से कदापि बच नहीं पाएगा। जय लंकेश्वर। भैया।
आ!